तो एक बार निश्चित रूप से जाति की गणना होनी चाहिए। अगर 1940 के बाद जाति की जनगणना नहीं हुई तो वो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं ये कभी भी जो गरीबों का हक है उसको मारना जानती है, उसको देना नहीं जानती है। और यही मूल कारण है जिससे सत्ता में बैठे लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वो एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं आज के समय, तो पैर पकड़े हुए हैं कि मोदी जी आप हमको मत छोड़ दीजिए, अमित शाह जी हमको मत छोड़िएगा, हम कहीं के नहीं रहे। मैं पहले भी कहा हूँ कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत गर्म दिखाई दे रही है, जहां एनडीए में ही दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां लगातार विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि वो अपना स्टंट क्लियर करें। हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। सर, जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? केंद्र सरकार ने तो साफ साफ ना कर दिया है। देखिए, हमें समझ में नहीं आता है कि जातीय जनगणना अगर हो जाएगी तो क्या ऐसी आफत आ जाएगी। अगर किसी की बेटी की, बहन की, बेटा का, भाई का अगर शादी होता है तो हमें लगता है कि पूरे भारत भर में अपने जातीय हिसाब से ही होता है, जाति के अंदर ही होता है। ऐसी स्थिति में जब विकास की अगर बात करें तो बहुत सारे बीपीएल परिवार है और ये सब परिवार है, वो भी जाति के आधार पर है, आरक्षण जाति के आधार पर। तो एक बार निश्चित रूप से जाति की गणना होनी चाहिए। अगर 1940 के बाद जाति की जनगणना नहीं हुई, अंग्रेजों के पहले ही जाति की जनगणना बंद हो गई, कांग्रेस के समय भी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था ये बताने के लिए काफ़ी है। ये व्यवस्था सामंतवाद का है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है, जिसकी वजह से ये जो सत्ता पर बैठी हुई जो पार्टियां हैं वो इससे दूर करना चाहती हैं कि अगर दलितों का, पिछड़ों का अगर जाति में पता चलेगा कि इतनी जनसंख्या है, इतनी संख्या है, तो लोग अपनी भागीदारी मांगने लगेंगे और हम भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। तो जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं ये कभी भी जो गरीबों का हक है उसको मारना जानती है, उसको देना नहीं जानती है। और यही मूल कारण है जिससे सत्ता में बैठे लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। अनिल कुमार जी, एनडीए के साथ हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गठबंधन में हैं, वहीं बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं, वार्तालाप हो रही है, कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जाएगा, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, वो एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं आज के समय में, मैं ही कहता हूँ कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। अगर थोड़ी सी भी उनके अंदर गरिमा होती तो कुर्सी को लात मारते, कहते कि हम तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुन रहे हो तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे, हम समझौता क्यों करेंगे आखिर? तो हम जातीय जनगणना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहेंगे। हम बिहार में चाहते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज मिले, स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, लेकिन फिर भी हम उसका दामन थामे हुए हैं, उसका पैर पकड़े हुए हैं कि मोदी जी आप हमको मत छोड़ दीजिए, अमित शाह जी हमको मत छोड़िएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा बेमानी होगी। यहाँ पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ये सब के साथ भारतीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेमानी कर रहे हैं और सबकी बात करते हैं कि हम ये कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके सब कुछ भूल चुके हैं। केंद्र सरकार एक ऐसी भी प्रावधान लाने की बातें निकल कर आ रही है कि राज्य सरकार अपने स्तर से भी जातीय जनगणना जो है वो करा सकती है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सब नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जब केंद्र की सरकार नहीं कराएगी तो कोई स्टेट हमें नहीं लगता है करा पाएगा, और बिहार के मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो कराना चाहिए इनको। लेकिन चूंकि मैं पहले भी कहा हूं कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं ये, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी और मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं, तो अगर आका नहीं कह देगा तो हमें नहीं लगता है कि उनके जो उनका जो सिपाही जो बैठा हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर वो कर पाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जो इनके आका कहेंगे वही बिहार के साथ अगर अन्याय होना होगा तो इनके आका कहेंगे तो बिहार के साथ अन्याय करेंगे, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का गर्दन दबाना होगा तो नीतीश कुमार गर्दन दबाने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल ले लिया जाए सर,
कि क्या जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, हमें नहीं लगता है कि आर्थिक जनगणना की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और सब कुछ अगर करते हैं तो वहाँ से तो हम उसकी जनगणना कर सकते हैं कि कितने लोग किस लेयर में हैं, कहाँ इनकम टैक्स दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत है 1940 के बाद अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई है तो बिहार में या भारत में कितने तरह के जातियों बहुत तरह की जातियां हैं और उन जातियों की आबादी क्या है, किस जाति के कितने लोग हैं, ज़रूरत है उसको जानने का। तो आपने सुना, अनिल कुमार जी साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहल करनी चाहिए और अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना को लेकर हाँ नहीं भरती है तो NDA गठबंधन से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।